लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में लखनऊ के पूर्व सीट से उपचुनाव होना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ओपी श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया। आइए इनसे जानते हैं किस तरह की रणनीति है और कितना चुनौती है। सर, आपको लोकसभा के लिए, आपको उपचुनाव सीट विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लगता है कि भाजपा की लहर में या राजनाथ सिंह की लहर में सीट निकल जाएगी या कोई चुनौती है अभी? कैसी बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरे देश में पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक और छोर कहीं कोई चुनौती नहीं है। यह चुनाव वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष नहीं है, इस देश की जनता खुद भारतीय जनता पार्टी की जगह यह चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में, यह चुनाव भारत की जनता बनाम विपक्ष है। विपक्ष तो विपक्ष तो ये कहता है कि इस बार सारे जुमले फेल हो जाएंगे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 70 सीटें निकलेंगी। जुमले और मुखौटे विपक्ष दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 साल तक दिन रात जनता की सेवा के लिए लगी रहती है। अभी गत वर्षों में जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से देश पूरे विश्व का जीवन प्रभावित हो गया था, सबके सर पर मौत मंडराने लगी थी, उस समय अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जो जनता के बीच में आकर सड़कों पर उतरकर लोगों के खाने पीने की समस्या, लोगों के जीवन और जीविका की समस्या, लोगों की चिकित्सा की समस्या, उनके उपचार की समस्याओं के निदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया था कि जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो जाता, इस महामारी से देश की जनता उबर नहीं जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी संगठन का कोई काम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा होगा सेवा ही संगठन है। अच्छा, कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है इस विधानसभा में जो जीतने के बाद आप पूरा करेंगे, जो नहीं पूरा हो पाया था रिक्त होने के पहले? इस पूरब विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए अपने गत तीन कार्यकालों में हमारे रिश्तों में अग्रज बड़े भाई जैसे इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सद्य स्वर्गीय श्री गोपाल जी टंडन ने उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं थी वह सब इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए वह इस क्षेत्र में लेके आए थे। उन्होंने पूरी शक्ति सामर्थ्य इस देश की जनता की भलाई के लिए कार्य किया था, उसी का परिणाम था कि इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने लगातार 3 कार्यकाल में उनको अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद दे करके लगातार भारी अंतरों से उनको विजयी बनाती रही जनता। उनके अवशेष कार्यकाल में जो भी उनकी योजनाएं पूरी रह गई हैं प्राथमिकता के आधार पर, मैं पहले उन योजनाओं को पूरी कराकर इस क्षेत्र की जनता को राहत दिलाऊंगा, यही मेरी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक अंतिम सवाल, कल आपका नामांकन है और क्या कुछ तैयारियां हैं नामांकन को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी एक विशेष दिन कोई तैयारी नहीं करता है। विपक्षी दलों के लोग केवल चुनाव में जनता के बीच में आते हैं, तरह तरह के वायदे करके, तरह तरह के मुखौटे लगाकर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 300 दिन 365 दिन जनता के बीच में रहकर जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होते हुए भी दल से बड़ा देश को मानती है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल ही नहीं है, एक विचार है, एक क्रांति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य इस देश के गौरव और सम्मान को हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच में काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस वक्त ओपी श्रीवास्तव जी मौजूद थे और उनका कहना है कि एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विपक्ष कहीं भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक दल होने के बावजूद भी देश को और अपने जनता को पहले लोकप्रियता देती है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।